महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत महाभारत अंतर्गत भीष्म पर्व में 23वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक के भाग को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय पर हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है जीव अपनी ब्रह्म की सद्व्यापकता पूर्णता के बोध कैसे कर सकते हैं पर उस आजिस बोध से मनुष्य अमृतम सुनते जो सप्तम अध्याय में बोल कर आए थे उसी को यहाँ पे पुष्ट करने के लिए उस क्षेत्र क्षेत्र गमचापी माम विद्यु सर्व क्षेत्र भारत ये शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है और समस्त क्षेत्र को जानने वाला मैं ही हूँ। जो जीव अपने को अपने शरीर का अभिमान करते हुए मैं हूँ और ये मैं जानता हूँ, भगवान बोल रहे हैं कि वो जीव वास्तविक मैं ही ईश्वरी उस तत्व को जानते हैं। तो इतना कथन करने के बाद क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये महाभूतानी अहंकार से लेकर के संघात चेतना धृति ये क्षेत्र के अंतर्पाती है। उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए योग्यता हमारे पास हो तब जाके ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए अमानितम अदम भित्तम से लेकर के आपका वहाँ पे कहाँ तक तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन यहाँ तक जो है वो ज्ञान प्राप्ति के साधन को ज्ञान शब्द द्वारा कहा गया है। इस प्रकार जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन आपके पास होने पर कौन सा वस्तु को ज्ञान आपको होगा तो इस साधन के द्वारा कौन सा विषय को जाना जा सकता है उसको कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञेयम जब तत्व वक्षामि जब ज्ञातव्यमिदम् श्रुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते। बोलूँगा कहा तो ऐसा है पर तो कहते समय इतना ही कह दिया कि वो जो है अनादि अनादि वाला वो परब्रह्म है जिसको सत अथवा असत रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता है, उसको है रूप से अथवा निषिद्ध रूप से प्रमाण के द्वारा गम्य करके नहीं है रूपी प्रमाण के द्वारा निषिद्ध रूपी प्रमाण के द्वारा नहीं प्रमाणित किया जा सकता है अथवा कार्यकरण भाव से उसको नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार की होता है जब किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता तब तो वस्तु नहीं होगा, ऐसा शंका होने पर उसको निराकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वत्र पानी पादन पाद से लेकर के 6 श्लोक के माध्यम से मतलब यहाँ तक जो ज्योतिषम पिता ज्योति यहाँ तक के ग्रंथ वाक्य द्वारा वो कह रहे हैं।
ऐसा कहते हुए पहले तो अध्यारोप प्रक्रिया का अंतपाती वो करके गए थे। सर्वेन्द्र गुणा असम सर्वेन्द्र विवर्जितम असत्य सर्वभिच निर्गुण गुण भोक्ति च, ये अपवाद इसको जो है अपवाद प्रक्रिया की मान। पहले अध्यारोप में देखा था सर्व तो पानी पाना और फिर अपवाद में तो समस्त हाथ पैर से रहित है ऐसा। अब उसके बाद कि समस्त भूतों उसी अंतपाती होकर के करीब 15 नंबर चल रहा था ना, नंबर 15 श्लोक के ऊपर पढ़ेंगे सब मिल करके। बहिरंतश्च भूतानां मचरं च एव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। जितने सारे भूत है, जितने सारे उत्पत्तिशील जीव है अथवा संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है स्थावर जंगम के रूप में, ये सब को व्यक्त करके बैठा वही रंग उसका बाहर में विद्यमान है, अंदर में विद्यमान है। तो यदि हर एक वस्तु में विद्यमान है तो उसका हमको दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं दिखाई देता, वो अत्यंत तो सूक्ष्म वस्तु है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है, इसीलिए उसको विषय रूप से नहीं जाना जाता। इसलिए सूक्ष्म तद अविज्ञेयम, और वो नहीं जानने वाले के लिए दूर से भी दूर है और जानने वाले के लिए क्या होता है वो नज़दीक से भी नज़दीक है, वो नज़दीक से भी नज़दीक है। ये वाला काम नहीं कर रहा, ये चला ही नहीं होगा। आगे आगे वो नज़दीक से भी नज़दीक है। तो इसको लेकर के कल हम लोग इसको पढ़ लिए थे इस पंक्ति को। अतएव अचरम स्थावरम च जंगमम भूतजातम तदेव अधिष्ठानात्मकत्व। इसलिए जितना भी हमारे स्थावर जंगम भूत दिखाई पड़ता है, भूत समूह दिखाई पड़ता है, सब वही एक अधिष्ठान वाला है, मतलब उसी अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है। सब स्थावर जंगम जो भी है अधिष्ठान जंगम है कि स्थावर है, जिस अधिष्ठान के ऊपर सारा जगत प्रबल जो दिखाई पड़ रहा है वो स्थावर है कि जंगम है, उसको दोनों शब्दों के द्वारा नहीं बोला जा सकता है। परंतु वो तो व्यापक होने के कारण, पूर्ण होने के कारण उसमें कोई क्रिया नहीं होता है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं होता, मतलब वहाँ पर जंगमत्व तो है ही नहीं, परंतु फिर भी उसके ऊपर मतलब चलमान वस्तु दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि कोई एक निर्दिष्ट स्थान में कोई वस्तु दिखाई देते हैं और वो जहाँ कहीं भी जाएगा, इस प्रकार आकाश में ही एक बोतल के यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो आकाश का चरण भी दिखाई देता और बोतल का भी चरण दिखाई देता है, प्रतीति होती है ऐसा। परंतु वास्तविक आकाश को आकाश तो प्रस्त है, मतलब अभिकारी है, परंतु प्रतीति ऐसी होती है। इसी के यहाँ पे बोलते हैं कि वो सभी वस्तु उसी एक ही अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है। जब तक ये अधिष्ठान तो अकल्पित है, परंतु अधिष्ठान के ऊपर सारा वस्तु कल्पित है। कल्पितानां न तत् किंचित् व्यतिरिच्यते, मतलब कल्पित वस्तु अधिष्ठान से बिल्कुल अलग करके कभी भी नहीं प्रतीति हो सकते। कल्पितानां मतलब कल्पित वस्तुओं का, न तत् मतलब अधिष्ठान से भिन्न करके किंचित् व्यतिरिच्यते, थोड़ा सा भी इधर उधर करके आप देख सकते हैं अर्थ। एवं सर्वात्मकत्व भी, इस प्रकार से वो ब्रह्म वो व्यापक तत्व सबके आत्मा होते हुए भी सूक्ष्मत्वात् अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण रूपादिहीनत्वात् और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित होने के कारण तत् अभिज्ञेयम्, उसको विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है। इदम् एवं इति, ये अभिज्ञेयम् शब्द का अर्थ करता है ये वस्तु ऐसा है इस प्रकार से। इदम् एवं इति, ये वस्तु ऐसा है इस प्रकार से स्पष्टम ज्ञानार्हम् न भवति, स्पष्ट रूप से ज्ञान का विषय नहीं बनता, स्पष्ट रूप से ज्ञान का विषय नहीं बनता। अतएव आगे, अतएव आत्मज्ञान साधन शून्यानां, इसलिए आत्मज्ञान के लिए क्या साधन बताया था, जो बीज साधन बताया था हमारे, इस प्रकार योग्यता से रहित अधिकारियों का व्यक्तियों का, अतएव आत्मज्ञान साधन शून्यानां, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की अथवा योग्यता की आवश्यकता है उससे रहित अधिकारियों का अथवा साधकों के लिए वर्ष सहस्र कोट्याप्य अप्राप्यत्वात्, बस वर्ष सहस्र कोटि अपि है अप्राप्यता, सहस्र कोटि साल तक भी वो चलता जाएगा
फिर भी उसको आत्मा प्राप्त नहीं होगा, है ना। सहस्र कोटि वर्ष तक भी कोई व्यक्ति यदि चलते जाए, चाहे आप पैदल जाओ चाहे फ्लाइट में जाओ, किसी भी प्रकार से चलते, फिर भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आत्मा प्राप्ति के लिए जो योग्यता है वो नहीं होने के कारण। इसलिए बोलते हैं वर्ष सहस्र कोट्याप्य अप्राप्यता, कोटि चलने पर भी वो प्राप्त नहीं था। इसीलिए बोला दूरस्थम च जो जन लक्ष कोटि अंतरितम ई वैज, मतलब लक्ष्य को यहाँ से सूर्य कई सूर्य की दूरी तक भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। जो जन लक्ष्य कोटि अंतरितम, उसका इतना व्यवधान बना हुआ है, अज्ञानी व्यवधान है और कुछ व्यवधान नहीं है। इसका भी तत् मतलब ब्रह्म वस्तु, परंतु ज्ञान साधन संपन्नानां तु, परंतु ज्ञान प्राप्ति के साधन के द्वारा जो अन्वित है जो व्यक्ति, ज्ञान साधन संपन्नानां तु, परंतु किंतु ज्ञान के साधन से संपन्न व्यक्तियों के लिए तो अंति के च, वो बिल्कुल पास में है, बिल्कुल बचा, तत् अत्यंत अव्यवहित, वो अत्यंत अव्यवहित है। क्यों अव्यवहित? मतलब भेद रहित है। कस्मा आत्मत्वा, उसका स्वरूप होने के कारण, ठीक है ना। ज्ञान साधन संपन्नानां तु, परंतु ज्ञान की साधन से संपन्न है जो व्यक्ति व जो अधिकारी, उनके लिए तो आत्मा सबसे नजदीकी वस्तु है। अंति के अत्यंत पास में, क्यों? अत्यंत अत्यंत अव्यवहितम एव, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यवधान नहीं है, वहाँ पे कोई व्यवधान नहीं होने, व्यवधान मतलब गैप अथवा डिस्टेंस नहीं होने के कारण सभी के साथ सम, कैसे हुआ वो आत्मत्व सबका स्वरूप भूत होने के कारण ये अभिप्राय है। इसी को जो है हमारे मुंडक उपनिषद में दुरात सुदूरे तद इहैव अंतिके च पश्यत्सु इहैव नेतां वायां, हमारा मुंडक श्रुति है ये, वो दूर से भी दूर है क्योंकि अज्ञानियों के लिए, और वही जो है तद इह वो यहाँ भी है, अंतिके च सबसे नजदीक में है, इसके लिए पश्यत्सु देखने वाला समझने वाले व्यक्ति के लिए, कहाँ है वो? इहैव निहितं गुहाया, अपने ही अंदर बुद्धि रूपी गुहा में वो विद्यमान है, इत्यादि श्रुति। इस प्रकार श्रुति वाक्य से भी यही सिद्ध होता है, रात सुगरे तदैव अंतिक च पश्यत्सु इहैव निहितं गुहाया, वो दूर से भी दूर है और पास से भी पास है, अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है और समझने वाले व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल सबसे न, मतलब निकटतम, निकटतम बोलना भी नहीं बनता, क्योंकि क्यों नहीं बनता, क्योंकि जैसे ये मेरा निकटतम है अथवा उसके बाद मेरा निकटतम अपना कपड़ा स्वेटर बनियान जो भी हम पहन रखें, परंतु निकटतम बोलने से भिन्नता की बोध होती है, इसीलिए बोलते हैं निकटतम भी नहीं बोला जा सकता है, वही वस्तु इसलिए आत्मत्वात् कहा, स्वरूप भूत होने के कारण, स्वरूप होने के कारण। अच्छा, अब जो बोलते हैं वहाँ पे जो पहले बोल करके आए ना कि जब उक्तम एकम एव सर्वम आवृत्य तिष्ठति, कहाँ बोला? इसके पहले वाला श्लोक में देखिए, सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, नंबर 17, सर्वत्र श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, जब उक्तम एकम एव, अनेक वस्तु है परंतु वो एक तत्व ही सर्वम आवृत्य, सबको व्याप्त करके सबको घेर करके विद्यमान रहता है, इति तत् विवृणोति, उसी को थोड़ा सा विस्तार से अथवा व्याख्या करके कहते हैं। यद उक्तम एकम एव सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये जो पहले कह करके आया वही एक तत्व तो सारा संसार को व्याप्त करके सारा संसार को घेर करके विद्यमान रहते हैं, उसी को व्याख्या करते हैं, तो उसको थोड़ा विस्तार करते हैं। अब जो क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कि हमारे सांख्य और योग दर्शन पुरुष को पूर्ण तो माना, व्यापक तो माना, परंतु अनेक पुरुष माना। न्याय और वैशेषिक दर्शन वो तो जीवात्मा और परमात्मा में भेद माना और जीवात्मा भी अनेक है ऐसे माना। पूर्व मीमांसा दर्शन तो भिन्न मत को लेकर के ही पूर्व दर्शन को बनाया, सब जीव अलग 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 है, परंतु एक वेदांत ऐसा है कि आत्मा एक है ऐसा कहते हैं। तो ये जो एक तत्व ही सबको व्याप्त करके विद्यमान है, इसको देखा से अभिप्राय क्या है? अन्नवादियों के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को निराश करने के लिए इसलिए बोलते हैं प्रतिदेहम
आत्म भेदवादी ना, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है, इस प्रकार बोलने वाले जो वादी है, इस प्रकार बोलने वाले सिद्धांत है, उनको निराश करने के लिए, उनके सिद्धांतों को निराकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की अगला श्लोक बोलते हैं। दिखाई दे रहा है अलग अलग क्या उपाधि, परंतु उसके अंदर जो आत्मा जो निरुपाधिक है वो सभी के अंदर एक ही आत्मा अनेक नहीं है। उस पक्ष को निराकरण करने के लिए देखिए, यद्यपि ये सब आस्तिक दर्शन है, कौन शांख दर्शन, योग दर्शन ये आस्तिक दर्शन है, नए दस्तक वैशेषिक दर्शन ये भी आस्तिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा भी आस्तिक दर्शन और वेदांत तो आस्तिक दर्शन है, परंतु इन छह आस्तिक दर्शनों में एकमात्र वेदांत ही वो जो है आत्मा एक ही है ऐसा मानते हैं, बाकी सभी जो है आत्मा में भिन्नता को माना, आत्मा में भिन्नता को माना। इस पक्ष को निराकरण करने के लिए अगला श्लोक देखिए। अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तं इव च स्थितं, विभक्तं इव च स्थितं, भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम्, भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम्, ग्रशिष्णो प्रभविष्णु च, ग्रशिष्णो प्रभविष्णु च, अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम्, ग्रशिष्णो प्रभविष्णु च। भूतेषु च अविभक्तं, अलग अलग भूत अलग अलग नाम रूप उपाधि दिखाई देने पर भी वो तत्व जो है अलग नहीं है, एक ही तत्व है, इसलिए उस अविभक्तं विभक्तं इव च स्थितं, परंतु वो अलग हो गया जैसा प्रतीति होती है। इस पर यहाँ पे अनेक घरा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आकाश अनेक हो गया जैसा प्रतीति होगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया जैसा प्रतीति होती है, परंतु ऐसा नहीं, इसलिए भूतेषु अभिभक्तम, समस्त भूत में अभिभक्त रहते हुए ही विभक्तम इव च स्थितम, जो विभक्त हुआ जैसे, यहाँ पिछली इवो लगाया किसके साथ, विभक्त के साथ इवो लगाया, यानी कि विभक्त मतलब टुकड़ा हो गया जैसा, अलग हो गया जैसा, ऐसा प्रतीति होती है। और वही एक तत्व ही जिसके ऊपर सारा भूत स्थित है वो क्या होता है, प्रभा विष्णु भूतभर्ती कृष्णु च तत् ज्ञेयम्, वो ज्ञेय तत्व जिसको हमने बोला कि अर्जुन जिसको जानने से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, वही ज्ञेय तत्व ही समस्त का प्रभाविष्णु मतलब उत्पादक, भूत समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाला भूतभर्ती, और कृष्णु समस्त भूतों को प्रलय काल में संहारक भी वही तत्व है, तत् ज्ञेयम् वही ज्ञेय तत्व वो भूत भर्ति कृष्ण प्रभ विष्णु च, ये मानना पड़ेगा ना, तद ज्ञेयम् वो ज्ञेय तत्व समस्त भूतों को भरण पोषण करने वाला, और वही समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, और वही समस्त भूतों को अपने में क्रास करने वाला, इसी को तो हमारे व्यासदेव सूत्र में लिखा, क्या लिखा, जन्मांतस्य जतः, इसी को हमारे तैतरीय उपनिषद में क्या कहता है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ति जत जातानि जीवन्ति जत प्रयन्ति अभिशम्पिशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्य, वही संसार में एकमात्र जन्म मतलब जिससे ये समस्त सृष्टि होती है और जिसमें समस्त स्थिति टिकी हुई है और जिसमें रहने की चेष्टा करते हैं और उसमें लय प्राप्त करते हैं, वही संसार में वही ब्रह्म है और वही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। ठीक उसी मतलब तैतरीय श्रुति की इस शब्द को संक्षेप तैतरीय श्रुति ये आपका भृगुवर्णी में भृगुवर्णी में जतो वा इमानि भूतानि थर्ड में है वहाँ पे, तो इसलिए बोलते हैं वही वही गेप जो संसार में जानने योग्य वस्तु है वो प्रभ विष्णु भी है, ग्रशिष्णु भी है और भूत भर्ती भी है, वही ज्ञेय तत्व सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबको भरण पोषण करने वाला और सबको अपने में संहार करने वाला, वही पालक भी है संहारक भी है, ऐसा शास्त्र ने कहा। उसमें आता है भगवान, इसलिए ये क्यों बोल रहे हैं भगवान, ये सब क्या प्रसंग था ये बोलने का, इस एज यहाँ से यहाँ तक की ग्रंथ वापति कहने के लिए प्रसंग क्या था, वो जो तब भूल करके आए थे न सत्तर न सकते, इससे ये शंका हुई थी ये तो कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई वस्तु हो नहीं सकती,
इस शंका को निराकरण करने के लिए एक जितना हाथ पैर दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का है, परंतु उनका अपना कोई हाथ पैर नहीं है। फिर दूसरे को क्या बोला था, समस्त भूतों को अपने में व्याप्त करके अपने में समेट करके वो व्यक्ति स्थिर होकर के विद्यमान रहते हैं। फिर तीसरा क्या बोलते हैं, मतलब उस वस्तु की मतलब ज्ञान तत्व की विद्यमानता को निश्चय करने के लिए यद्यपि इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई देता, प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, फिर भी वो तत्व है, इसको निश्चय करने के लिए अथवा करवाने के लिए इस प्रकार से भगवान प्रवृत्त हुए होते हैं। अभिभक्तम यद्यपि अलग अलग प्रकार के भूत दिखाई पड़ते हैं, परंतु उसके अंदर विद्यमान तत्व वो अलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए बोलते हैं भूतेषु च अभिभक्तम, परंतु विभक्तम इव च स्थितमो, विभक्त अलग अलग है जैसा प्रतीति होती है। और भूत तत्व क्यों, समस्त भूतों को, समस्त भूतों देखिए जिस प्रकार एक उपादान कारण अमृत उपादान कारण हो अथवा धागा हो, उसके द्वारा आप जितना भी वस्तु बनाएंगे सभी के अंदर उपादान तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। मृतिका के द्वारा बने हुए घर अथवा कोई कुल्हर अथवा सकोरा जो भी कुछ होगा सभी के अंदर, यानी कि वो मृतिका उसको उत्पन्न, जब यहाँ भी एक उपादान कारण निमित्त कारण भी होता है, पर उपादान कारण क्या होता है, समस्त उससे उत्पन्न होना वस्तु का कारण है। और स्थिति काल में भी उसी में स्थित रहते हैं तो उसको भरण पोषण भी करते हैं, और लय काल में मृतिका में लय प्राप्त करते हैं। यानी कि जो उपादान कारण होता है जिस समय हम उस किसी भी वस्तु से व्यवहार कर रहे हैं उस समय भी वो उपादान कारण वहाँ पे अनुसूत है। यदि ऐसे ही है जगत की मूल उपादान कारण जिसके यहाँ पे ज्ञो शब्दों के तरह कहा जाए ब्रह्म, वो अलग अलग भूत अलग अलग दिखाई देने पर भी समस्त भूत में अनुसूत है, समस्त भूत उसके रहने के कारण ही व्यवहार कर पाता है। इसी प्रकार से उनको निश्चय करना होता है, और उनको तमाम लोगों को अधिकारी को इसी प्रकार से उस तत्व को निश्चय करना है। कभी भी हमारे सामने विषय रूप में नहीं आएगा, परंतु भूतों को अथवा भौतिक वस्तु को व्यवहार को देख करके आपको निश्चय करने से के अंदर ये चेतन तत्व विद्यमान है। और चेतन तत्व यद्यपि उपाधि परिच्छिन्न होते हैं, परंतु चेतन में परिच्छिन्नता नहीं है। इसलिए बोलते हैं अभिभक्तम च भूतेषु, किस प्रसंग में ये कहा जा रहा है, उस धागा को उस कड़ी को नहीं छोड़ना, तो आपको लगे इतना क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, इसको निश्चय कराने के लिए, कोई ज्ञेय तत्व की स्वरूप क्या है उसको निश्चय कराने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मधुसूदन शब्द क्या बोलते हैं कि जो आप प्रत्येक शब्द में आत्मा भिन्न है, इस प्रकार की शंका को निराकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सभी में एक ही आत्मा विद्यमान हो ही कहते हैं, सभी में एक ही उपादान कारण मृतिका के द्वारा बने हुए सकोरा कुल्ला घरा जो भी कुछ अलग अलग दिखाई देने पर भी सभी के अंदर एक ही मृतिका विद्यमान है जैसा मैं निश्चय करता है। ठीक इसी प्रकार वो ब्रह्म तत्व सब तत्व उसी से सारा सृष्टि होने के कारण उस सृष्टि से जो भी कुछ बने हुए हैं आकाश वायु अग्नि वो सभी के अंदर उस सत तत्व अनुसूत है, ऐसे ही उसको समझना है। इसलिए बोलते हैं मतलब अलग अलग उपाधि अलग अलग भिन्नता दिखाई देने पर भी सत में भिन्नता नहीं है। तो भूतेषु सर्व प्राणीषु अभिभक्तम अभिन्नम एकमेव तत्, अभिभक्तम मतलब समस्त भूतों में वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है, वो ज्ञेय तत्व एक ही है। एकम एव तत्, एकम एव अद्वितीयम है ना, सजातीय विजातीय सकल भेद से रहित एक ही तत्व है वो। न तो प्रतिदेहम भिन्नम, अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा है ऐसा नहीं कहते हम, क्यों, व्योमवत व्यापकत्व सर्व व्यापकत्व आकाश की तरह पूर्ण व्यापक होने के कारण है ना, इस प्रकार आकाश की कभी भी परिच्छिन्नता नहीं होती, आकाश प्रतीति होने पर भी परंतु उसमें परिच्छिन्नता, उसमें क्या परिच्छिन्नता नहीं है, आकाश में देश परिच्छिन्नता नहीं है, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं है, काल परिच्छिन्नता है, न्याय वैशेषिक दर्शन काल परिच्छिन्नता नहीं मानते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन में नहीं मानते, मतलब वेदांती काल परिच्छिन्नता मानते हैं, तथापि भी तस्मात् वा तस्मात् आत्मनः आकाश सब भूत यानी काल परिच्छिन्नता है, परंतु वस्तु परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता नहीं है। इसलिए होते हैं व्योमवत सर्वव्याप, जिस जगह पे भी ना मैं आत्मा से बोलता हूँ किसी भी शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस शब्द के द्वारा क्या ग्रहणीय है और क्या चैतन्य दोनों को एक साथ दिमाग में बैठना है, तब जाकर के आपको बुद्धि पक्का हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तथापि
देह तादात्म्येन तादात्म्येन प्रतियमानत्वात् प्रतिदेहं विभक्तम् इव च स्थितम्। है ना, यहाँ पे फिर भी मतलब वो व्यापक होते हुए भी देह तादात्म्येन शरीर के साथ एक होकर के दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए जिस प्रकार बिजली के साथ, पंखा के साथ, हीटर के साथ, कूलर के साथ बिजली अलग अलग जैसा प्रतीति होती है, परंतु अलग नहीं है, एक ही है। इसी प्रकार तथापि देह तादात्म्येन उपाधि के साथ तादात्म्य करके प्रतियमानत्वात् प्रतीति मतलब समझ में आने के कारण देह प्रतिदेहम वो प्रत्येक अलग अलग शरीर में विभक्तम इव वो अलग हो गया, टुकड़ा हो गया, परिच्छिन्न हो गया, जैसा च स्थितम इस प्रकार से प्रतीति होते स्थिर रहते हैं। औपाधिकत्वेन अपारमार्थिक व्योमनि इव तत्र भेद अपभाषेति अर्थ, परंतु वो भेद स्थितम के बाद कोई कौमा है होना चाहिए, पूर्ण विराम है, बहुत अच्छा है, तब तो और समझे कि प्रतिदेह विभक्तम इव च स्थितम। तो ये मतलब वो विभक्त जैसा प्रतीति होती है, परंतु वो जो प्रतीति है औपाधिकत्वेन मतलब परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता उपाधि से संबंध रखने से प्रतीति होती है। औपाधिक मतलब उपाधि से, औपाधिक कैसे बनेगा, उपाधि का तद्धित होता है ठक प्रत्यय करके औपाधिक बनते हैं, उपाधि से और उपाधि से संबंध रखने के कारण उपाधि से संबंध यद्यपि नहीं है, मतलब उपाधि के माध्यम से समझ में आने के कारण इसलिए औपाधिकत्वेन मतलब उपाधि के साथ एक होकर के समझ में आने के कारण, और पारमार्थिकता मतलब उसमें पारमार्थिक भिन्नता परिच्छिन्नता नहीं है, जैसे आकाश का व्योमनि जिसमें आकाश में परिच्छिन्नता नहीं है तत्र भेद के, फिर भी आकाश में भेद की परिच्छिन्नता की प्रतीति अवभास होती है इति अर्थ। ठीक इसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता की प्रतीति होती है। हमको तो और भी ऐसा लगता है कि प्रत्येक जीव चीटी से लेकर के और हिरण्यगर्भ होता है 84 लाख भूमि, सभी का व्यापार अलग अलग है, सभी का व्यापार, कुत्ता कुछ प्रकार का व्यापार करता है, बंदर कुछ प्रकार से करते हैं, मनुष्य कुछ प्रकार से करते हैं, और मनुष्य में भी जो है अलग अलग, मनुष्य के अलग अलग प्रकार के चलना, आना, उठना, बैठना, सब कुछ। तो इससे लगता है कि आत्मा अलग ही होगा, परंतु ये सारा व्यापार तो उपाधि में है, आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा इससे अलग नहीं होता। चाहे वो चींटी शरीर हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो शरीर हो, आत्मा तो एक ही है। जब वो कितना शुद्ध शरीर है, कौन सा हिरण्यगर्भ शरीर, शुद्ध देवताओं का शरीर हम लोगों से शुद्ध पवित्र होता है, व्यापक होता है, और पशुओं के शरीर, मनुष्य शरीर से भी करे गाय गुजराबाद का बल होता है, परंतु शरीर भिन्न होने पर भी उसके अंदर जो चेतन तत्व है वो भिन्न है, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। जिस प्रकार रास्ते में टट्टी किसी ने करके गया और गंगा जी के तट पे शुद्ध किरण गंगा जल को तो प्रकाशित करेगा, टट्टी को प्रकाशित नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? क्या करते हैं उनके, दोनों के प्रकाश करते हैं, उनके दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी सब सबको प्रकाशित करते हैं, ये नहीं कि जो है ये शरीर खराब है, ये शरीर अच्छा है, मैं उसको प्रकाशित करूँ वहाँ पर, ये नहीं है। यहाँ पर सभी आकाश की तरह वहाँ पे भेद की प्रतीति मात्र होती है, वास्तविक भेद नहीं है। ननु आप एक शंका उठा रहे हैं, भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक एक, जो क्षेत्रज्ञ है भी सर्व क्षेत्र से भारत बड़ा, तो क्षेत्रज्ञ तो समस्त क्षेत्र में एक है। ठीक है, ये मान लिया भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक एक, परंतु जो ब्रह्म है ना जगत का कारण है, जिस प्रकार बताता हूँ ब्रह्म तो जगत का, तब तो भिन्न में उससे भिन्न होगा, कौन है यहाँ पे प्रश्न भिन्न है। अब जब समझिए इस चीज को, जिस प्रकार मृतिका के द्वारा बने हुए घर अनेक आकार प्रकार के होने पर भी वहाँ पर मृतिका एक है, ठीक है, ये मान सकते हैं, परंतु उसको बनाने वाला जो कुम्हार है ना वो जो उससे भिन्न होता है, बनाने वाला कुम्हार उससे भिन्न होता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं, किस किसके आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है, मृतिका के द्वारा बने हुए अनेक जो आकार प्रकार की जो मृतिका बस बर्तन होते हैं वो सब एक ही मृतिका होते हैं, इसलिए मृतिका वहाँ पर तो भेद नहीं है, परंतु उसको बनाने वाला जो है वो तो उससे भिन्न होता है। इसी प्रकार यहाँ पे बोलते हैं भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक एक, जो क्षेत्रज्ञ है समस्त शरीर में, देखो बोला क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत, यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए समस्त शरीरों में एक ही क्षेत्रज्ञ ये तो हम मान सकते हैं, परंतु
ब्रह्म जो जगत कारण, ब्रह्म जो जगत का कारण है ना, मतलब ये पहले में आपको कुमार को समझना है, और वो ब्रह्म जो जगत का भिन्न है, इसलिए जो ब्रह्म जो जगत को उपादान कारण बोल रहे हैं वो उससे भिन्न है, मतलब निमित्त और उपादान कारण भिन्न होता है। कहानी ये तो पूर्वपद शंका के ननु है ना, पहले पहले शंका कर रहे, शंका क्या बोलते हैं, हमें क्या दिखाई पड़ते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण भिन्न होता है। आप यहाँ पे देश को उपादान कारण का निमित्त कारण एक कैसे बोल रहे हो, इसी को मन में भवतु क्षेत्रज्ञ सर्वव्यापक एक, ये हो सकता है कि क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो सर्वव्यापक है एक है, ब्रह्म तो जगत कारण, ब्रह्म जो जगत का उपादान कारण है, तब तो भिन्न है वो, उससे भिन्न हो, जगत को बनाने वाला और जगत जिस उपादान से बना वो दोनों भिन्न वस्तु होना चाहिए, उपादान कारण और निमित्त कारण भिन्न होता है, ऐसा भिन्न होता है। तो बोलते हैं न इतिहास, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेदांत में अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो स्वयं ही क्या बोलते हैं भूत भर्तृ च न इति आह, भूत भर्ति च समस्त सर्वानि भूतानि स्थिति काल विभर्ति, समस्त भूतों को स्थिति काल में भरण पोषण करते रहते हैं, तथा प्रलय काले, प्रलय काल क्या था, ग्रसिष्ण उसको ग्रास करते हैं, ग्रसनशीलम उत्पत्ति काले प्रभविष्ण च प्रभवनशीलम सर्वस्व सबको उत्पत्ति भी करते हैं, ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण दिखा रहे हैं, मतलब जो अब यहाँ पे क्या है, क्षेत्रज्ञ जो है, जो क्षेत्रज्ञ है लगता है कि क्षेत्रज्ञ रहने का शरीर चलता है तो क्षेत्रज्ञ तो शरीर को भरण पोषण करता है, परंतु वही उपादान कारण भी है ये तो नहीं लगता, वही उपादान कारण भी है, क्योंकि मैं अभी क्या बोला कि उसी सत्तत्व से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आया, तो सत्तत्व तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में है, और पृथ्वी स्थूल शरीर ये किससे बना हुआ है, ये पंचभूत से बना, इसके अंदर जो सत्तत्व अनुसूचित, और इस सत्तत्व को आकाश में अपने दल से बना हुआ सृष्टि वो भी जिससे बना हुआ है, जिस सत्तत्व से वही सत्तत्व इसको निरूपण नियमन भी करते हैं, इसको नियमन भी करते हैं, ये हम इसलिए जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं, परंतु वो शंका उठाते तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, बोलते यहाँ पे ऐसा नहीं समझना, वो समस्त भूतों को भरण पोषण करने वाले हैं, समस्त भूतों को पालन करने वाले हैं, केवल इतना ही नहीं वो समस्त भूतों को अपने में ग्रास भी करते हैं, उपादान कारण में ग्रास होता है, ध्यान रखना, जब ही कोई भी वस्तु नाश प्राप्त करेगा वो निमित्त कारण में करेगा कि उपादान कारण में करेगा, उपादान में करेगा, हाँ उपादान में करेगा, वो निमित्त में नहीं करेगा, इसीलिए यदि वो जगत के उपादान नहीं होता तो भगवान में लय कैसे प्राप्त करेगा, इसीलिए वो बनाने वाला भी है बनने वाला भी है, बनाने वाला भी है बनने वाला भी है, ये जो भिन्नता को लेकर शंका उठाए हरेक बातें तो ऐसे ही माने, एक वेदांती ऐसे कहते हैं शास्त्र के आधार पर कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इसलिए तथा प्रलय काले ग्रसिष्णु ये स्थिति काल में भी उससे स्थित है, प्रलय काल में उससे में लय प्राप्त करते हैं, सभी कोई इंद्रिय मतलब कार्य अपने कारण में लय प्राप्त करता है, कारण से उत्पत्ति, कारण में स्थिति और कारण में लय, इसलिए कार्य की अस्तित्व कारण से भिन्न कुछ भी हो ही नहीं सकता, इसलिए बोलते हैं प्रश्न, यानी कि जीव को आप अलग मानने पर भी जीव कर कभी भी उस परमात्मा से भिन्न करके स्थिर रह नहीं सकते, विद्यमान हो ही नहीं सकता है, उत्पत्ति काल प्रभा विष्णु के प्रभाव अनुशील सर्वस्व, वो दृष्टान्त दिया एक, ये तो दृष्टा तो यथा रज्ज्वादि सर्पादि माया कल्पितस्य, इस प्रकार रज्ज्वादि मतलब कोई भी अधिष्ठान, भ्रांति की अधिष्ठान आदि से कोई भ्रांति का अधिष्ठान, सर्पादि मतलब सर्प आदि का, रज्जु आदि उसके ऊपर कल्पित वस्तु का, रज्जु के ऊपर कल्पित वस्तुओं का जो भेद है, जो माया से कल्पित है, जो माया से कल्पित है वो माया से कल्पित है मतलब भ्रांति से कल्पित है, या माया से कल्पित है जगत सृष्टि, वो सब का जो है वो रज्जु क्या है, रज्जु उसका भूत भर्ती भी है, रज्जु उसका ग्रसिष्णु भी है, रज्जु उसका भविष्णु भी है, रज्जु के ऊपर भ्रांति से माया से कल्पित जो भी कोई वस्तु, किसी भी भ्रांति स्तर में, चाहे रज्जु हो, चाहे सुक्ति हो, चाहे बालू हो, चाहे आपका ठूंठ हो, ये किसी भी जगह पे यदि हमको भ्रांति से कोई वस्तु प्रतीति होती है, वो जो प्रतियमान वस्तु वो अधिष्ठान के आधार पर ही टिका हुआ होता है, मतलब उसी से उसकी सृष्टि, उसी में स्थिति, उसी में लय, यही होता है, इसलिए
यथा रज्ज्वादि सर्पादि माया कल्पितस्य तस्मात् जत जगत स्थिति लय उत्पत्ति कारण इसलिए जो जगत की स्थिति लय और उत्पत्ति के लिए कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो तीन शब्द इसी क्रम में आया भूत भर्ति चतर ज्ञेयम ग्रष्णु प्रभविष्णु च, तो पहले क्या दिखा स्थिति ग्रष्णु क्या दिखा लय और पहले बाद में दिखा उत्पत्ति, और हमारे सूत्रकार तो जन्मात्मस्य जातः पहले उत्पत्ति के लिए, तो हमें प्रश्न किया कि आदि उत्पत्ति स्थिति और लय आदि से ग्रहण होता है, तो आपने अब उत्पत्ति को पहले क्यों लिया? यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण पहले तो स्थिति को लेकर के बोलते हैं, और तो उपनिषद में तो उत्पत्ति को ही पहले लेकर के कहा गया है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते पहला, जतो जातानि जीवन्ति जिसके ऊपर दुष्टा जब प्रयत्न जिसके ऊपर चेष्टा करते रहते हैं, अभिषम जिसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए अगर स्थिति लय उत्पत्ति कारण इसलिए ये जगत का इसे ही तो हमारा ब्रह्म सूत्र बताया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हुए जब भी बोला तो ब्रह्म क्या वस्तु है, तब क्या दिया उसका जो तटस्थ लक्षण को छोड़ करके पहले स्वरूप लक्षण को छोड़ करके तटस्थ लक्षण को पहले बोलते हैं जन्मांतस्य जतन, ये तटस्थ लक्षण दूर से किसी वस्तु को दिखाने के लिए समझाने के लिए यही इसी को ही इसी वाक्य के प्रयोग करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण का स्वरूप लक्षण क्या है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, क्योंकि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म क्या वस्तु है, क्योंकि हमें जो दिखाई पड़ते उसी का सार उत्तर देना है, तो जन्मांतस्य जो उत्तर दिया उसी को यहाँ पे बोला, और उसका स्वरूप लक्षण क्या है सत्यम ज्ञानम अनंत सत्य रूप अचित रूप है आनंद रूप है, तो इसलिए लय उत्पत्ति कारण ब्रह्म तदेव क्षेत्रज्ञ वही जो है क्षेत्रज्ञ जो ब्रह्म है वही क्षेत्रज्ञ है, यहाँ पे अलग किया था ना क्षेत्रज्ञ तो एक हो सकते हैं, ब्रह्म अलग है, तो नहीं नहीं जो क्षेत्रज्ञ है वही ब्रह्म है, जो क्षेत्रज्ञ है इससे क्या हुआ मैं इस क्षेत्र को जानने वाला हूँ, मान लो मैं स्वामी सर्वानंद अपने को माना और मान कर लिया इस पिंड को इस क्षेत्र को मैं जानने वाला हूँ, तो क्षेत्र का क्या हो गया इस क्षेत्र पर चिन्ह हो गया, परंतु शास्त्र पे क्या बोलते हैं वही ब्रह्म है, जो क्षेत्रज्ञ है वही ब्रह्म है, ये मतलब आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, मैं पहले ही बोला तेरा अर्थ से एकत्व बोध को दृढ़ करने के लिए इस प्रकार से एकत्व सिद्ध होता है, जो अपने को परिच्छिन्न मान रहे हो ये परिच्छिन्न तुम्हारी मान्यता है वास्तविक तुम व्यापक हो, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं स्थिति लय उत्पत्ति कारण ब्रह्म तदेव क्षेत्र का वही जो क्षेत्र है प्रतिदेह एकम ज्ञेयम न तत्व अन्नदिति अर्थ, प्रत्येक शरीर में वही एक तत्व है और वही संसार में जानने योग्य है, उससे भिन्न करके संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है, न तत्व अन्नदिति अर्थ, ये हो गया। अब जो है ये जो तत्व यहाँ तक मुझे का व्यापक तत्व है वो जड़ है कि चेतन है, वो जड़ है कि चेतन है, इसको लेकर के ठीक है वो ब्रह्म तत्व व्यापक, क्योंकि क्या होता है जब कभी भी कोई वस्तु हम उपादान कारण के रूप में देखते हैं, उपादान कारण क्योंकि निमित्त कारण भगवान है ये मानने में कोई कठिनाई नहीं है, परंतु भगवान उपादान कारण भी है ये मानना बहुत कठिन पड़ता है, ये मानना बहुत कठिन क्यों, उपादान कारण क्या होता है जड़ होता है, जहां कहीं भी किसी वस्तु के उपादान कारण आप देख लो, किसी भी वस्तु के उपादान कारण देख लो, उपादान कारण परिच्छिन्न भी होता है और जड़ भी होता है कि नहीं, जब किसी भी जगह पे देख लो, किसी भी जगह पे आप देख लो जो कोई उपादान कारण होगा वो परिच्छिन्न भी होगा और जड़ भी होगा है कि नहीं, मिट्टी का भी देखो चाहे मिट्टी का भी पूरा ढेर लग जाए बाल लग जाए परंतु वो परिच्छिन्न है और वो जड़ भी है, तो जब आप जगत के उपादान कारण उसको कहना चाहते हो तब क्या प्राप्त होता है ये जड़ भी है और परिच्छिन्न भी है, ठीक है ना, इसको उत्तर में क्या बोला इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान शब्द की तरह क्या हुआ ये जड़ नहीं है, अनंत शब्द की तरह क्या हुआ ये परिच्छिन्न नहीं है अनंत है, ये श्रुति वाक्य श्रुति की शैली को देखिए आप कितना छोटे शब्द में विषय वस्तु को आपके सामने प्रतिपादन कर देते हैं, जब कभी भी किसी वस्तु को आप उपादान कारण के रूप में मानोगे तो उपादान कारण परिच्छिन्न भी होती है जड़ भी होती है,
ये दिखाई दिया, उसको निषेध करने के लिए ये उपादान कारण होते हुए भी ये परिच्छिन्न भी नहीं है। ये नहीं समझना कि उपादान कारण नहीं, निषेध कर उपादान कारण होते हुए भी श्रुति वाक्य के आधार पर, श्रुति के आधार पर ये चेतन भी है और अनंत भी है, परिच्छिन्नता भी नहीं है उसमें, परिच्छिन्नता भी नहीं है। ऐसे ही एक शंका को निराकरण करने के लिए अगला श्लोक आ रहा है, अगला श्लोक भगवद्गीता में जो बोलना सर्व उपनिषद का वो दुग्धा गोपाल लंदन है। उपनिषद के सार कैसे कैसे आता है आपको समझ में आता है यहाँ पे, यदि उपनिषद को पढ़ने, इसलिए गीता मन जो है ना ये निरीक्षणात्मक ग्रंथ है। उपनिषद पढ़ के मनन करने के बाद जब दिमाग का आपके सामने रहता है तब आप निश्चय करो आगे ही मेरा स्वरूप है। इसी यहाँ पे बोलते हैं ननु सर्वत्र विद्यमान अपनी शंका करना, ठीक है वो हर जगह पे विद्यमान, मतलब हर शरीर में विद्यमान है। तब न उपलब्ध थे चे, जब यदि वो उपलब्ध नहीं होता तब क्या होगा, तभी जड़म एक सत, तब तो जड़ होगा, तब वो उसका समस्त शरीर में उपलब्ध जो विद्यमान है यदि आप एक है तो पर तो उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वो जड़ होना चाहिए उपादान कारण मानने का शायद। तब उत्तर देते हैं शायद में कमा है पहला शायद में न शायद, नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, पोटेंशियल बोलना कंडीशन अर्थ में आता है, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, स्वयं ज्योतिषो अपि, जो अगले श्लोक है ना कि वो स्वयं प्रकाश है परंतु होते हुए भी रूपादिहीनत्वेन इंद्रिय अग्राह्यत्व उपपत्ते इति आह, वो रूपादि आदि से सत्व स्पर्श रूप रस गंध से रहित होने के कारण वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, परंतु वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते और वो जड़ है ये भी नहीं कह सकते। बहिर्गत सिद्ध करते वो नहीं है नहीं कह सकते, आप शंकर जड़ है तो जड़ भी नहीं है, उसको निराकरण करने के लिए अगला श्लोक है, ठीक है। ननु शंका करने वाले होते सर्वत्र विद्यमान तन्न उपलब्धते चे, यदि उसको हर जगह पे रहते हुए भी यदि उसको उपलब्धि नहीं है, ठीक है आपके पहले बात को हमने मान लिया कि वो विद्यमान है परंतु वो जड़ है, चेतन होता तो उपलब्धि होता है उसका, ऐसा शंका करने का होता है, ऐसे आप नहीं कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ज्योतिष और समस्त प्रकाशशील वस्तु का भी वो प्रकाशक है परंतु वो रूपादि से रहित है और वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म तक अभिज्ञ बोल कर रहा है, इसलिए वो इंद्रिय को तरह ग्राह्य नहीं होता है, ये कहना युक्तिसंगत हो जाता है। इति आवश्यक का मन में रखते हुए अगला श्लोक को बोले ज्योतिषामपि तज्ज्योति ज्योतिषामज्योति स्तमाशा परमोच्यते स्तमाशा परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्विष्टितं ज्योतिषामपि स्तमाशा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्विष्टितं। तत् वो जो ब्रह्मपद है मतलब ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् तत् वो तत्, इसलिए जब तत् तत् क्यों बोल रहा है बार बार, जब पहले बोल कर रहे तत् वो परम तत्व ज्योतिषामपि ज्योति समस्त प्रकाशक कभी प्रकाशक है, ज्योतिषामपि ज्योति समस्त ज्योतियों का भी वो ज्योति है, समस्त प्रकाशशील पदार्थों का भी वो प्रकाशक है। सूर्य सारा संसार को प्रकाश करता है, सूर्य भौतिक पिंड, परंतु ये सूर्य है ये कौन कहता है, दिया कमरे में रखे हुए जितना वस्तु है सबको प्रकाश करेगा, परंतु ये दिया है ये दिया नहीं कह सकता, उससे भिन्न कोई चेतन तत्व कहता है। इसलिए समस्त प्रकाशक का भी जो प्रकाशक है केवल इतना ही नहीं, वो तो उसके अंदर भी रह करके, क्योंकि क्या प्रभाव शशि सूर्य सप्तम अध्याय में बोल करके आया रसोहम अपशु कौंतेय प्रभावस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु सप्तम के पौरुषम निशु, अपने विभूत में सप्तम अध्याय बोल के उसका प्रकाश रूप भी है और उसका प्रकाशक भी है वो। इसलिए ज्योतिषामोपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, वो तो अंधेरा से पार है वो, है ना, वो कुछ कोई वस्तु उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वो अंधेरा से परे है, अंधकार से अतीत है। तब क्या है वो, ज्ञानम
वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वो संसार में जानने योग्य भी है, वो ज्ञेय मतलब जानने योग्य वो ज्ञान स्वरूप है। और कैसे जाना जाता है वो जो आपको 20 साधन बोल कर कहा, ज्ञान गम्य मतलब इस साधन के द्वारा ही जाना जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञानम, और वही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। तो कैसे जाना जाता है, जो 20 गुणों को पहले कहा गया है उसके ज्ञान गम्य हृदय कहाँ जाना जाता है, बाहर नहीं दूर देश में नहीं अपने ही अंदर। सर्वस्य हृदि विष्ठितम, समस्त सभी जीवों के हृदय रूपी गुहा में विशेष रूप में स्थित है, वहीं पे विशेष रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी विष्ठितम मतलब विशेष रूप में अधिष्ठित होकर के विद्यमान अधिष्ठित है। तो वो तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति, उस परम तत्व समस्त प्रकाशक कवि प्रकाशक है वो, क्योंकि वो अंधेरा से परे है और उसका स्वरूप क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम वो ज्ञान स्वरूप है, वही संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु है। और कैसे जाना जाता है, जिस साधन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे ज्ञान गम्यम, कहाँ विद्यमान रहता है, कहाँ जाना जाता है, सभी के अंतकरण में वो विशेष रूप में स्थित है, इस प्रकार से जाना जाता है। तब ज्ञेयम ब्रह्म वो जो जानने जो ज्ञेयम जब तक प्रवक्षण कौन है, ब्रह्म है वो, जो ज्ञेयम ब्रह्म है ना, ज्योतिषाम मतलब अवभाषकाना जो प्रकाश करने वाले जितना वस्तु है संसार में क्या क्या है, सब जब हमारा प्रकाशशील पुस्तक में क्या दिखाई पड़ते हैं, ग्रह नक्षत्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा ये सब नक्षत्र प्रकाश करते हैं, परंतु सबका प्रकाशक कोई परमात्मा ही है, बात नहीं आज ज्योतिषाम। यहाँ पर हमारे पास एक नहीं आता कि न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतमन भांति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसको लेकर के ब्रह्मसूत्र भी एक अधिकरण आया हुआ है, न तत्र सूर्य भाति एक अधिकरण है, प्रथम अध्याय कि तृतीय पाद में आया हुआ एक अधिकरण में, वहाँ पर यह तत्वपद आया हुआ है ना, इस तत्वपद को लेकर के विचार है, तत्व मतलब उसमें सप्तमी मतलब है, तो वहाँ पर ये विषय सप्तमी है मतलब उस परमात्मा को न तत्व सूर्य मतलब सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, उसमें सूर्य प्रकाशित नहीं होता ऐसा करते। इस प्रकार दिन के समय चंद्रमा विद्यमान रहते हुए भी चंद्रमा की प्रकाश प्रकाशित नहीं होता, तो ऐसा ही कोई भौतिक प्रकाश होगा, जिस प्रकार सूर्य एक भौतिक प्रकाश है, सूर्य की भौतिक प्रकाश की विद्यमानता में चंद्रमा की प्रकाश प्रकाशित नहीं होता दिन के समय, ऐसा ही कोई भौतिक प्रकाश होगा जिस भौतिक प्रकाश की विद्यमानता में सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, ऐसा क्यों ना मान लिया किसके न तत्र सूर्य भाति के ऊपर, तब बोलते वहां पर ऐसा नहीं क्योंकि इससे बड़ा कोई भौतिक प्रकाश हो ही नहीं सकता जो सबको प्रकाशित करना है। तो वहां पर तत्र पद करते करते उस परम तत्व को उस परम तत्व को न तत्व सूर्य भाति उस पर विषय शब्द में है मतलब द्वितीय विभक्ति के स्थान में शब्द विभक्ति को प्रयोग कर दिया गया, द्वितीय विभक्ति के स्थान में शब्द विभक्ति को उस तत्व को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, न तत्व सूर्य भाति न चंद्र तारक न चंद्र ग्रह नक्षत्र, क्यों, क्योंकि तस्य भाषा सर्वविधं विभाति उन्हीं के प्रकाश ये सब प्रकाशित होता है, इसलिए उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तद ज्ञेयम ब्रह्म ज्योतिषाम मतलब अवभाषकानाम, अवभाषण करने वाला कौन है सबसे बड़ा, आदित्य आदि नाम, आदित्य से भी बड़ा ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, तो जहाँ से यहाँ पे प्रकाश पहुँचने में 8 साल तक लग जाता है, कितना दूर में है ग्रह नक्षत्र ऐसा है, वहाँ से यहाँ तक प्रकाश और वो भी उसका चलने की गति जानते 1 लाइट ईयर उसका जो है मिनिमम लाइट ईयर बोलते हैं मतलब 186,000 मीटर प्रति सेकंड दौड़ता है लाइट, तो 1 लाइट एक्शन में इतना प्रकृति जिसे प्रकाश चलते हैं वो प्रकाश को यहाँ पहुंचने में 8 साल लगते हैं, तो कितना दूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है बोलते हैं कि ज्योतिषाम अवभाषक नाम आदित्य आदि नाम बुद्धि आदि नाम, तो प्रकाश करने वाला 2 होता है, एक बाहरी प्रकाश एक अंदरूनी प्रकाश है ना, चाहे वो बाहरी प्रकाश हो चाहे अंदर की प्रकाश हो, समस्त वस्तु को प्रकाश करने वाला तो एक ही तत्व है, इसलिए बोलते हैं फिर ज्योतिषाम मतलब अवभाषकानाम, पहला क्या दिया आदित्य आदि नाम, दूसरा क्या दिया
बुद्धियादि नाम च, इंद्रियों भी तो अपने अपने विषय को प्रकाश करते हैं ना, रसन इंद्रिय कृष्ण प्रकाश करते हैं, स्वाद को प्रकाशित करते हैं, घ्राण इंद्रिय गंध को प्रकाशित करते हैं, दुर्गंध सुगंध मत कुछ भी है, इसी प्रकार से इंद्रिया भी विषय का प्रकाशक है, फिर जो अंतकरण भी विषय का प्रकाशक है, सूर्य आदि भी विषय का प्रकाशक है, ठीक है, एक बाहरी एक प्रकाश आएगा तब जाकर के ये वस्तु आप देख पाते हैं, बोल पाते हैं। इसलिए जितना भी प्रकाश करने वाला वस्तु संसार में है, आदित्य आदि हो चाहे बुद्ध आदि, जो बाह्यानाम अंतर अंतराणाम अपि, जो बाहर प्रकाश है अंदर है, सबका भी सभी प्रकाश का ज्योति अवभाषक, उसका जो ज्योतिषा अपि ज्योति मतलब अवभाषक, समस्त प्रकाशक का जो प्रकाशक है, समस्त प्रकाश करने वाले जितने प्रकाशक उसका जो प्रकाशक है, ज्योतिषम अपि ज्योति अवभाषकम चैतन्य ज्योतिष, उस चैतन्य ज्योति का जड़ ज्योति अवभाषकत्वते, वो चैतन्य ज्योति समस्त जड़ात्मक वस्तु का प्रकाशक है, ऐसा कहना ज्योतिषंगत हो जाने के कारण। जड़ चेतन को प्रकाशित नहीं कर पाता, चेतन ही जड़ को प्रकाशित करते हैं, इसलिए चैतन्य ज्योतिष चैतन्य रूपी जो ज्योति है उसका जड़ ज्योति अब वो समस्त जड़ ज्योति का अवभाषक है, ये कहना युक्ति संगत हो जाने के कारण। इसलिए देखो इस श्रुति पहले जेन सूर्यस्तपति तेजसा इद्ध, ठीक है ना, ये न तृतीय एक वचन है, जेन उसके साथ तृतीय तेजसा, जिसकी तेज के द्वारा इद्ध मतलब तेजस्वी होकर के सूर्यस्तपति, सूर्य क्या है सारा संसार को ताप देता है, प्रकाश करते हैं, ठीक है, जेन तेजसा इद्ध सूर्यस्तपति, ऐसा न करना पड़ेगा, जिसकी तेज के द्वारा प्रकाशित हो तेजस्वी होकर के सूर्य सारा संसार को प्रकाश देते हैं। फिर तस्वासर्वेदम विभाति, उसी तेज तत्व की उसी ब्रह्म की प्रकाश से सारा संसार अथवा उसी के प्रकाश के द्वारा सारा प्रकाश करने वाला वस्तु अन्य वस्तु को प्रकाशित कर सकते, विभाति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, इस प्रकार की श्रुति वाक्यों से, ये तो दोनों श्रुति दे दिया। अब हमारे पंचदश अध्याय में क्या बोलते हैं, जदादित्यगत तेजो जगत भाषयते खिलम, ठीक है ना, जैसा आदित्य जब आदित्यगत तेजो, जिसमें आदित्य वो तस वो भी परमात्मा का ही प्रकाश है, इसलिए वक्ष्य तेज जदादित्यगत तेज इत्यादि, यहाँ भी आगे बोला जाएगा। फल तो क्या हो गया, स्वयं जड़त्व अभाव अभी जड़ संशिष्टम से, ठीक है वो अपने आप में जड़ नहीं है, प्रकाशशील है चेतन है, परंतु जड़ के साथ मिलकर के रहते हैं, यदि हम ऐसा कहें तो जड़ संशिष्ट मतलब जड़ के द्वारा वो ढक जाता है। अब बताओ जड़ के द्वारा वो ढकता कि नहीं ढकता है, नहीं ढकता है, लगता है कि ये लकड़ी के द्वारा सच्चिदानंद ढका हुआ है ना, परंतु अरे सच्चिदानंद के द्वारा लकड़ी प्रकाशित हो रहा है, वो ढका कैसे है, वो तो प्रकाशित हो रहा है, इसकी अस्तित्व इसकी सत्ता इसकी स्फूर्ति वो तो सच्चिदानंद की प्रकाश है, तो इसके इसलिए वो उसको ढका नहीं, जब तक ईशावास्य उपनिषद बोलता है इसके द्वारा ढक दो, प्रतीति होते हैं ढका हुआ है, क्योंकि हमें बोध नहीं है, जैसे ही बोध होगा तब पता लगेगा, अरे यही साधन है कि मतलब नाम रूप के द्वारा सच्चिदानंद ढका हुआ है, परंतु सच्चिदानंद भी नाम रूप को प्रकाशित कर रहे उस ढका कैसे होगा, ये विचार पूर्वक जब खुल जाता है ईशावास्यम दर्शन को, सारा संसार ईश्वर से व्यक्त हो जाता है। इसलिए अभी बोलते हैं स्वयं जड़त्व अभावे अभी, उसमें अंदर अपने आप जड़त्व नहीं रहने पर भी जल संश्लिष्टम से वो जल से संश्लिष्ट हो जाता है, मिल जाता है, ढक जाते हैं, यदि ऐसा कहे तो ये कभी भी जड़ और चेतन में मिल होना संभव नहीं है, जड़ जड़ की तरह ही रहते हैं, चेतन चेतन की तरह रहते हैं, ये अजब, क्योंकि वो चेतन सबके अंदर ऐसा अनुसूत है। अच्छा बताइए इस लकड़ी के अंदर आकाश है कि नहीं है, पता लगता है ना, ये आवाज से आकाश है, आवाज नहीं हो पाता, अब उस आकाश से भी सूक्ष्म वस्तु है, यदि वो आकाश की सत्ता स्फूर्ति प्रथम तस्मात वही तस्मात आत्मा आकाश स्वर्ग हो, तो इसी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हो, इस प्रकार इसी मृतिका से लकड़ी से ये टेबल उत्पन्न हुआ, तो टेबल तो टेबल के अंदर लकड़ी घुसा हुआ है, मतलब लकड़ी दिखाई दे रही, टेबल मतलब नाम दिया हमने लकड़ी है, इसी प्रकार वो सच्चिदानंद ही हम इस रूप में दिखाई दे रहा है,
जिसका लकड़ी यहाँ पे टेबल के रूप में अथवा बेस्टैंड के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसा ही वो सच्चिदानंद ही यहाँ पे इस रूप में दिखाई दे रहा है, उसके साथ संशिष्ट नहीं है। इसलिए बोलो ना कि आप एक समय ऐसा, अभी जिसको लगता है कि अरे भगवान को देखो कैसे, एक समय ऐसा आएगा तो आपको लगेगा भगवान को नहीं देख कर रहूं कैसे, ये स्थिति हो जाएगी। भगवान को नहीं देख कर रह कैसे सकते हैं, हर चीज में अनुसूचित है, हर चीज में अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसकी पारमार्थिक वेदांतिक पारमार्थिक स्थिति ऐसी है, पर केवल समझना स्पष्ट होना चाहिए। तो कैसे, यही मैं बोलते हैं स्वयं जड़ तो अभाव अभी जड़ संशिष्टम से नह तमस जड़ वर्ग परम अभिता तत्काचाभ्याम और परमार्थिकाभ्याम असंस्पृष्टम पारमार्थिकम तद ब्रह्म सत असतो संबंध अजोगा। कितना सुंदर शब्द लिखा कि तमस मतलब वहां पे ना तमस ज्योतिषाम तमस परम उच्चते, तमस पंचमी है वहां पे, उस अंधेरा से वो पड़े है। अंधेरा क्या होगा, जड़ वर्ग जितना जड़ समूह है, जितना जड़ भूत भौतिक वस्तु है, परम उससे परे है पीछे उसके समय परम मतलब अविद्या तत्कार्याभ्याम और पारमार्थिकाभ्याम असंस्पृष्टम अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो कल्पित है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। यद्यपि रज्जु के उपाधि सर्प को दिखाई पड़ती है, परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प के साथ अधिष्ठान रज्जु का कोई संबंध नहीं है। नहीं, इसी को यहाँ पे बोलते हैं कि तमसो जड़ वर्ग परम, तो तमसो जड़ वर्ग पर है, परम शब्द का अर्थ क्या है, परम शब्द का अर्थ क्या है, अविद्या तत्कार्याभ्याम और पारमार्थिकाभ्याम असंस्पृष्टम है ना, अविद्या और अविद्या के कार्य उससे संस्पर्श नहीं होना, यही परम शब्द का अर्थ है, इसके साथ संबंध नहीं होना। पार इसका खर्च क्या होगा, ये अपारमार्थिक है और ब्रह्म अधिष्ठान पारमार्थिक है, पारमार्थिकम तद ब्रह्म। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सत असत्यो संबंध अजोगा, सत और असत में संबंध होना संभव नहीं है। इसलिए श्रुति बोलती है यक्षरा परत पर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स्वय यक्षरा इतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रिय च मन सर्वेन्द्रिया तृतीय पद एकस्मात् जायते यक्षरा परत पर, वो जो है पर अक्षर है उससे भी परे है, पर अक्षर मतलब ईश्वर, अक्षरात् परत, ये परत पंचमी है, अक्षरात् पंचमी है, जो परम अक्षर कौन है, ईश्वर तत्व है, उससे भी परे है। क्योंकि भगवान आगे बोलेंगे ना कि सर सर्वाणि भूतानि अक्षर मैं हूँ, अक्षर 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 से परे जो है वो पुरुषम तत्व है, जस्मान चरातीत हम अक्षरात् अपि च उत्तम, अक्षर अक्षर से अतीत, इसलिए अक्षरात् परत पर मतलब परम अक्षर जो ईश्वर तत्व है उससे भी वो एक कोटि ऊपर शुद्ध है निर्विशेष है, इत्यादि श्रुति भी इस प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवादी विषय और ब्रह्म तत्व को उपलब्धि करने वाले व्यक्ति को द्वारा भी ऐसा ही कहना था दुखता हूँ। हमारे भारतीय का कार्य है, भारतीय का कार्य ऐसा बोलते हैं निस्संग ससंगे न कूटस्थ विकारिणा आत्मनो अनात्मना योग वास्तव उपपद्यते। ये तो भारतीय का, तो मैं पढ़ पिया था शंका दिया किसी पुस्तक में, विवेदान में भारतीय है, विवेदान भारतीय है, मैं बताऊंगा कल भी बहुत का अच्छा 12,000 भारतीय है, 12,000 भारतीय है विवेदान में ऊपर उसमें अच्छा निस्संग ससंगे न, जो निस्संग है उसका जो ससंग जो हमेशा चिपक के रहता है उसके साथ, ठीक है ना, एक षष्ठी एक तृतीया इसका इसके साथ निस्संगस्य ससंगेन कूटस्थस्य विकारिण, एक कूटस्थ वस्तु है अभिकारी, अभिकारी वस्तु का विकारी के साथ, निस्संग वस्तु का ससंग वस्तु के साथ संबंध होना संभव नहीं है, ठीक है ना, पृथ्वी के साथ आकाश का संबंध होना संभव नहीं है, जब तक आकाश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है ऐसा देखिए। इस प्रकार से इसी प्रकार से आत्मनो अनात्मना, आत्मा का अनात्मा के साथ, आत्मा कहाँ है, यही है, तो अनात्मा भी है, शरीर अनात्मा है, अनात्मा इससे भिन्न है,
जब तक यहीं पर दिखाई दे रहा है, परंतु इसके साथ इसका कोई संबंध होना संभव नहीं है। आत्मनो अनात्मना जो को वास्तव अनुपबद्धते दिखाई देता है, जो तो दिखाई पड़ता है जैसे मिला हुआ है, परंतु वास्तविक जो होना संभव नहीं है। इसीलिए तमस परम उच्यते निसंगेन कूटस्थस्य विकारिना आत्मनात्मना योगो वास्तवो अनुपबद्धते। केवल इतना ही नहीं, आदित्य वर्णम तमस परस्ता है ना, अंधेरा से पीछे वो आदित्य की तरह चमकीला सब प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण आदित्य वर्णमिति स्वभाने प्रकाशांतर अनपेक्षा सर्वस्व प्रकाशनम इत्यर्थ। यहाँ पे जो ना आदित्य वर्णम तमस परस्ता, तो उसमें अभिप्राय क्या है, यदि अपने प्रकाश के लिए मतलब अपने को समझने के लिए जो अन्य किसी प्रकाश का अपेक्षा नहीं रखता, स्वभाने प्रकाशांतर अनपेक्षण इतने होते हुए सर्वस्व प्रकाश कभी शर्त में यहाँ पे आदित्य वर्णम तमस प्रस्ताव कहा गया है। आदित्य वर्णमिति स्वभाने प्रकाशांतर अनपेक्षण सर्वस्व प्रकाश कमिति अर्थ जस्मात् तत् स्वयं ज्योति जल असंस्पृष्टम अतएव तत् ज्ञानम प्रमाण। पहला लाइन हो गया ज्योतिषाम ज्योति तमस परम उच्यते, क्योंकि ये जो है ना पढ़ करके छोड़ना नहीं, थोड़ा विचार करना इसको, तब जाके क्या होगा धीरे धीरे अंदर व्याप्त क्या हमारे अंदर की वस्तु को बोल रहे हैं, बाहरी वस्तु को नहीं बोल रहे हैं। और इसको समझने के लिए भी बाहर जाने का भी आवश्यकता नहीं है, बस चुप बैठ करके थोड़ा जल्दी सोचेंगे ना ये मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु क्या कहना चाहते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वंशी विभूषितकरामन्नरमणीयदत्ताभा पीतांबराधर्मबिंबकलाधिरोषा पूर्णेन्दुसुंदरी।